हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ अंकु पियो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और टिफ़िन में मैंने दिया है मखाने। मतलब होता है ना, कभी कभी बस में भूख लग जाती है तो थोड़ा सा मखाने दे दिया है अलग से टिफ़िन में, और बनाना दिया है। और टिफ़िन में आज मैंने दिया है भिंडी और रोटी, रोटी में घी लगा करके, और बॉटल। बस तो यही है टिफ़िन। तो सब जो है दोनों तैयार हो चुका है, अपने अपने टिफ़िन्स को अपना सेपरेट बैग में रख रहा है। तो चलिए, अब बच्चों का काम खत्म हो गया। इलेवन ओ क्लॉक हो रहा है, घर का सारा काम निपटाने के बाद आई हूँ। तो यहाँ पार्लर में आज मुझे हेयर स्पा लेना था, तो अपॉइंटमेंट थी मेरी 11:30 की, 11:30 की। तो फिर सारा काम निपटा लेगा, फिर मैं इधर आ गई और बस इसके बाद से घर जाऊंगी। और खाना की थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आई थी, जा कर के थोड़ा सा बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे सोसाइटी की पार्लर है, हमारे सोसाइटी के अंदर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, हेयर स्पा के बाद जो हमारा हेयर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद लिया है मैंने हेयर स्पा, लगभग 2 से 3 महीने हो गए थे तो मैं पार्लर नहीं आई थी, तो आज मैंने लिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 22nd of September, आज है मेरी फ्रेंड का बर्थडे, तो आज उसी के बर्थडे में जाना है शाम को। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अभी से वीडियो शेयर करूं और आपके साथ भी शेयर करती हूं कि हम लोग बर्थडे को सेलिब्रेट कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कुछ आगे ब्लॉग में आपको पता लगेगा। और अभी के शाम के बज रहे हैं 6, अंकु पे अपना होमवर्क कंप्लीट करके मिल्क पी रहे हैं, तो दोनों को मैंने मिल्क दे दिया पीने के लिए, क्योंकि शाम को जाना है। 7 o'clock हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से, उसके बाद जाना है। तो मैं हमने सोचा बच्चों को थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह देने से अच्छा रहेगा, ऐसे रात की डिनर वहाँ पे जा कर के करना है। तो फ्रेंड्स, अभी होना है तैयार, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, अभी मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है। 6 o'clock हो रहे हैं और मैं अब जा रही हूँ बच्चों के भी कपड़े निकालने के लिए, और मैं खुद भी डिसाइड नहीं की हूँ अभी तक क्या पहनना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें और आगे शेयर करती हूँ आपसे। तो आज सुबह से ही काफ़ी बिजी बिजी शेड्यूल चला है, क्योंकि आज हस्बैंड बहुत दिनों बाद ऑफिस गए, वर्क फ्रॉम होम थे, घर पे थे, तो दिन का पता नहीं लग रहा था, बट आज ऑफिस गए तो सारा दिन जो है बिजी बिजी में ही बीत गया। तो मैं ये बता रही हूँ आपसे, जो लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे शैतानी नहीं करते, तो मैं ये देखिए कि ये पीहू नीचे फैला करके पूरा रखी हुई है। वर्कशीट आया था मोबाइल में, व्हाट्सएप में, इसलिए वो मोबाइल भी रखा हुआ है, और यहाँ अंकु फैला करके गया। ज्योमेट्री बॉक्स तक वो है सो बंद नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, वही है कि बच्चे इतना फैलाते हैं घर, दिन भर भी आप लगे रहें फिर भी कम है। तो आप देख सकते हैं, ये पीहू की आज की ड्राइंग है। पीहू बना करके लाई है। पीहू ऑलवेज होमवर्क करने के बाद एक ड्राइंग करती है आजकल, जो लास्ट वीडियो में मैंने शेयर भी किया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी किया था। अंकु भी बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्लास ऊँची हो गई है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, तो वो पढ़ाई में ज़्यादा मगन रहता है। लेकिन ये है पीहू। तो अब मैं यहाँ पर तैयार होने लगी हूँ। फ्रेंड्स, तो
मैं हो गई हूँ तैयार, हस्बैंड की वेट कर रही हूँ, अभी तक आए नहीं है। और ये मेरा आउटफिट, ये गाउन जो है बहुत पुराना है मेरा, लेकिन आज भी ये बहुत सुंदर है, प्योर कॉटन है, पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो है इसका स्लीव इस से। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी वजह से आने में काफ़ी टाइम लग गया। और अभी बज रहा है 9, हम 9 बजे पहुँचे हैं यहाँ पे, 1 घंटा लग गया, जबकि आधे घंटे की भी मतलब जर्नी नहीं थी हमारी उस, लेकिन हाँ लास्टली हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये पिन बलूची है, नोएडा में है, तो अच्छा है, पंजाबी ढाबा जहाँ भी होता है बहुत अच्छा होता है। तो हवेली वगैरह जैसा होता है वैसे ही है, बस हवेली जो है थोड़ा सा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइड होता है,
और लेकिन ये भी बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा इसका खाना भी था। हमने जो खाया बहुत अच्छा था। तो फ्रेंड्स का वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैं वीडियो को आगे नहीं ले जाऊँगी और आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज तक। और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या और कैसे बर्थडे मनाया है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नए मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।